नमस्ते। अभी जो आप वीडियो देखेंगे ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में। छोटा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत बड़ा ही है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक समय हिंदुस्तान का ही पूरा हिंदुस्तान था, पर वहाँ पर हिंदू का संस्कृति वहाँ पर थी। तो एक आज एक मंदिर को वहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है, तो उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट पर उनके, क्योंकि पाकिस्तान में भी अबाउट 3-4% उनकी पॉपुलेशन हिंदू है, उनकी भी एक हिंदू समाज है जिन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तो वो हिंदू प्रतिनिधि को तरफ से बोल रहा है। तो आइए हम सुनते हैं वो क्या बोलते हैं। तो और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। और इन एडवांस आई वुड विश ऑल माई न्यू सब्सक्राइबर्स एंड पीपल हु वॉच माई चैनल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले करक का एक करीबी गांव है टैरी, वहां पर मुश्तइल हजूम ने एक मंदिर को नजर आतिश किया, वहां तोड़ फोड़ की। कहा यह गया कि यहां ज़मीन का तनाज़ा था। श्री परम हंस जी की जो कि 100 साल पुरानी 1919 में उनका इंतकाल हुआ था, वहाँ दफन हुए। बंटवारे से पहले की ये कहानी है। जब बंटवारा हुआ तो इस इलाके से सारी हिंदू फैमिलीज़ जो हैं वो माइग्रेट कर गई इंडिया, मगर ये जो समाधि थी बहरहाल एक ज़्यारत के तौर पर रही। पूरे पाकिस्तान से जो है हिंदू यहाँ जाते हैं हमारे भाई ज़्यारत के लिए, मगर ज़मीन का तनाज़ा 1960 में उठा। हिंदू नहीं रहते वो, हाँ कोई हिंदू फैमिली नहीं रहती। 1960 में एक शख्स ने दावा कर दिया कि ज़मीन उसकी है और हुकूमत ने उसके नाम कर दी है। वो सिलसिला चलता रहा, लोअर कोर्ट्स में चलता रहा। 1997 में यहाँ पर फिर ऐसा ही एक वाक़ा हुआ जहाँ मुश्तइल हजूम ने यहाँ तोड़ फोड़ की। फिर ये मामला जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है वो ले गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के हक में ये फैसला दिया और कहा कि ये एक तारीखी जगह है, इसको रहना चाहिए, और जो इनके अगर तौसी भी करते हैं, जो ज़मीन इनको अलॉटेड है चार मरले मजीद ज़मीन में। खैर 2015, और अब ये हो रहा था कि यहाँ पर वो तौसी हो रही थी, और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि हिंदू ज़ायरीन आते हैं पूरे मुल्क से, तो उनके लिए कम से कम कोई ठहरने की जगह हो, क्योंकि जैसे ज़रार ने कहा कि यहाँ और कोई हिंदू फैमिली इस गांव में नहीं रहती। ये वाक़या आज सुबह 10 बजे का है जब मुश्तइल हजूम यहाँ आया, और पहले उन्होंने नारेबाजी की, फिर कहा यह जा रहा है कि एक मौलवी हैं मोहम्मद शरीफ साहब, और वो जो है कहीं और से आए और उन्होंने इश्तियाल दिलाया, और जो मजमा है वो मंदिर पर चढ़ दौड़ा, और तोड़ फोड़ के मनाजिर हमने देखे, आग लगाई गई। पुलिस से जो मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि जी ये एहतजाज की कॉल उन्होंने दी हुई थी, मगर पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा था कि मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेगा, और पुलिस ने यकीन कर लिया जाहिर है, और पुलिस खड़ी थी जब ये सब कुछ हुआ, तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी ने कुछ नहीं किया, और उसकी सफाई वो जैसे हमेशा आपको पता है ऐसे मजहब क्या है। अगर मैं इजाज़त दें तो जब ये वाकया हुआ तो थोड़ी सी लोगों से बातें भी हुई, और ख़ास तौर पर कुछ लोग जो वहाँ पर रहते हैं या रहते थे वहाँ के जो लोकल सूरत हाल है तैरी की, उसके बारे में थोड़ा सा बताया। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान से हिंदू फैमिली आती भी थी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, कोई मसला नहीं था। कोरोना वायरस के दौरान राशन भी बांटा गया हिंदू फैमिलीज की जानिब से, और वो भी लोगों ने हंसी खुशी ले लिया। अच्छा, जाहिर है गुर्बत बहुत है। तेरी जो है वो एक तरह से मुकाम बाकी इलाकों उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं कदरन थोड़ा सा ज्यादा तलीम याफ्ता है, लोग आपको वहां मिलेंगे, बिकॉज ये एक स्मॉल सिटी है जो हब है अकॉर्डिंग टू देम। इर्द गिर्द जो है वहां पर ज्यादा फिर आपको एक ट्राइबल मेंटेलिटी मिलेगी। ये इनका मसला चल रहा था जमीन का, जैसे आपने जिक्र किया, तो इससे ना कुछ दिन या कुछ टाइम पहले यूनियन काउंसिल में वहां के जो लोकल मोहतमिम हैं और जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं वहां पे, और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं,
उनकी वहां पर एक पूरा मन मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि यार इस मसले को हल करते हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने हंगू से इस मौलाना साहब को बुलाया। ठीक है, अच्छा ये जो वीडियोस और ये जो जिनकी आप स्टिल्स देख रहे हैं ये भी कहां से आई? ठीक है, किसी ने बनाई है ना, तो वहां के लोकल्स ने बनाई, इसलिए नहीं कि ये देखें कि हमने क्या कारनामा किया है, एज कंडेमनेशन कि यार लोगों को पता लगे। अच्छा उनकी जो वीडियोस है, उनके एक फेसबुक पेज भी है, और मैंने ये वीडियो खुद नहीं देखी, लेकिन उसमें वो पूरी वो स्पीच है जिसमें मौलाना साहब फखर से अकॉर्डिंग टू देम कह रहे हैं कि जी मेरा JUIFA से ताल्लुक है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा एक अगर मसला था वहां पर लोकली वो ये था कि अगेन जैसे मैंने कहा कि ये गरीब इलाका है, तो मुकामी लोग कह रहे थे कि बहुत जो वहां पर जो हिंदू विजिट भी करते हैं ना, वो फिर वहां पर थोड़ी सी जमीन भी खरीदने लग जाते हैं, तो क्योंकि वहां पर लोगों को पैसे की भी जरूरत है, उनके पास पैसे हैं, तो इससे थोड़ी सी रिजेंटमेंट पैदा हुई थी, लेकिन इस हद तक नहीं कि लोकल्स ये काम करें। तो जाहिर है मुकामी लोग यही कहेंगे, और मैं मान सकता हूं कि कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है वो ये है के लोगों को जमा किया गया था, जैसे हमने अच्छा देखो बात यह है कि चलो जमा किया गया, मसला यह कि DPO करक जो है इरफानुल्लाह, उन्होंने बड़ी मजेदार बातें की। एक तो उन्होंने इस बात पे यकीन कर लिया कि मजमा पुरमन रहेगा, चलो यार जबान दे रहे हैं तो जाहिर है पुरमन ही रहेंगे। दूसरे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि यहाँ पे जो है एक घर खुफिया तौर पे खरीदा गया जो समाधि के बिल्कुल साथ, मुझे कोई ये समझा है कि घर या प्लॉट खुफिया तौर पे कैसे खरीदा जाता है? स्टैम्प पेपर आप नुमाइंदा, मतलब ये DPO का लेवल है, DPO का लेवल है, देखिए देखिए। लेकिन ये जो थिंकिंग है ना कि ये ऐसे वाकयात से मुल्क की बदनामी होती है, इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाए, वो एक अलग बात है, वो तो कहनी पड़ती है यार, वो तो मुलाजमत की मजबूरी और बात भी सही होती है, बदनामी यू नो आई मीन कैसे ना हो। PDM से इंडियन मीडिया फुल फायदा उठा रहा है, लेकिन इस तरह के वाकया करक में जो आज मंदिर ढाया गया है मुश्तहिल हजूम की जानिब से, हमारे साथ मौजूद हैं हारून सरब दयाल जो के मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स बराए मजहबी सयाहत के, और खुद स्कॉलर भी हैं। हारून साहब आपने बातें सुनी शौकत यूसुफ जई साहब की, हुकूमत का अमूमन यही रद्द अमल होता है। इस रद्द अमल पर क्लैप करना चाहूंगा कि जिस अंदाज से उन्होंने इसको छोटा वाकया करार दिया, ये हमारे गुरु परम हंस जी की 1919 में बनने वाली समाधि है, हमारे यहाँ इनको औलिया अल्लाह के नजदीक तशबीह दी जाती है, और जो हमारा धर्म है सनातन धर्म में हिंदुइज्म में भी पहले जो चार मजाहब हैं उसमें जो पहला धर्म हमारा शिवाइज्म है, उसमें जो योग संस्कृति है या संप्रदाय है उसकी पाकिस्तान की जो सरजमीन है उसकी बहुत बड़ी इंडिया में गोरखपुर के बाद जो दूसरी बड़ी सीट जो है वो इस संप्रदाय या इस मसलक की वो हमारी जेहलम में जोगी टिल्ला है, गोरख टिल्ला है, उसके बाद पेशावर का गोरख टिल्ला गोरखनाथ टेम्पल है, उसके बाद कोहाट है, फिर करक का नंबर उसके बाद आता है, और उसके बाद डेरा इस्माइल खान में जोगी मोहल्ला इस बात की तारीख और वो जगह इस बात की गवाही है, फिर डेरा गाजी खान और मुल्तान, और इस तरह सिलसिला जो है वो इस दुनिया के इस खत्ते में से होता हुआ पूरी दुनिया में ये फैलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटा वाक्या नहीं है, और जो इस योगी जोगी या जोग संप्रदाय के मसलक से ताल्लुक रखने वाले पूरी दुनिया में है उनके लिए आज का वाक्या इंतहाई अहमियत का हामिल है, और हम बड़े रंजीदा इस एतबार से है कि मैं बड़े फख्र से कहता चला आया हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि पाकिस्तानी, और उससे बढ़कर एहसान ये है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा का बेटा हूँ, लेकिन आज मेरा सर शर्म से ये देखकर झुक गया है कि मेरी ही सरजमीन पर जो मजहबी जो एहतराम है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, और ऐसे तबके ने उड़ाई के जो कि खुद इस्लाम की फजीलत के जो है वो दाई है। मैं खुद मास्टर इन इस्लामियात हूँ और इस्लाम की फजीलत अहमियत हकानियत से बखूबी वाकिफ हूँ, फिक्का हदूद ताजीर इनसे अल्लाह ताला ने मुझे इनके रूशनास कराया, और बींग हिंदू मजहबी स्कॉलर मैं पाकिस्तान के जैदुलमा जिनमें डॉक्टर किबला यास साहब जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन है, डॉक्टर हाफिज अब्दुल गफूर साहब मदनी साहब, चारों सूबों के जो उलमाए दीन हैं या इंटरफेथ एंड हारमोनी के जो चैम्पियंस हैं उनके 2006 से उनके इंतहाई करीब रहकर प्यार मोहब्बत बांटने के लिए सिलसिले को जारी रखा हुआ है। लेकिन आज का जो वाकया है मैं समझता हूं कि ये इंतहाई दिल दुखा देने वाला दहला देने वाला वाकया है, और हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम में और मजहबी जो हमारी यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का दावा जो कि हमारे आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 20, 22 और 21 करता है उसकी सरीहन धज्जियां उड़ा दी गई हैं। हम समझते हैं
कि हमें दिखाई वाजिया दिखाई दे रहा है कि हमारा जो इस्लामी मजहबी जो उलमा का तबका है वो नाकाम हो चुका है इस्लाम की फजीलत जो दीगर मजाहिब आलम के बारे में है उसको तो सरकार पाकिस्तान में तो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसका एतमाद इस हद तक हो कि उसकी कोई बात मानता हो। 19 जून 2014 से जो सुप्रीम कोर्ट की 7 नुकात पर जो जजमेंट है उसकी किसी ने आज दिन तक अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जिसको 2015 से इसको देख रही है इसको कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। बस अफसोस ये है कि जितना भी पाकिस्तान में जो लैंड माफिया है या हमारे हुकूमती इदारों के जो अहलकार हैं उनकी मिली भगत से जो पाकिस्तान के कीमती असासों को जिस बुरी तरह से तबाह किया जा रहा है बेदरेग उसका उसको खरीदो फरोख्त अभी तक ताहाल जारी है, उसको तबाह किया जा रहा है। मैं नहीं सकता समझता कि जो पाकिस्तान की जो जनाब इमरान खान साहब जो कि इस वक्त रिलीजियस टूरिज्म के जरिए पाकिस्तान को इकोनॉमिक जोन में लाना चाहते हैं और पाकिस्तान को हारून सरफदयाल चाहता है कि 39वां मकाम देखे, लेकिन बदकिस्मती से। देखने के लिए धन्यवाद। मेरा ग्लोबल भारत सब्सक्राइब करना मत भूलिए।